Breaking news now coming in from the parliament after Lok Sabha adjourned Sunday. Speaker Om Birla meeting Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, top opposition leaders including Sonia Gandhi and Adhir Ranjan Chowdhury. So remember, in the morning, a very clearly overwhelmed chairperson of the Rajya Sabha, Venkaiah Naidu, literally breaking down. Even Om Birla, the Lok Sabha speaker, stating that the protocol, the decorum of the parliament was not clearly followed. And now what we are being told is there a meeting that is currently on with the Lok Sabha speaker. There's Sonia Gandhi, the interim president of the Congress party. There's also Adhir Ranjan Chowdhury there in the meeting. And that meeting is currently on. Listen in to some of the reactions that have come in since then. मानसून सत्र के पहले दिन से ही हंगामा जारी रहा. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ठनी रही. दोनों हाउस में प्रोसीडिंग्स किस ढंग से चली, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी. बिरला साहब, जिस ढंग से इस बार सदन चला, पहले दिन से ही हंगामा शोर शराबा चलता रहा, किस ढंग से देखते हैं इसको? संसद के अंदर कामकाज की दृष्टि से ये सदन अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा. मेरी कोशिश रही कि सदन में चर्चा हो, संवाद हो, सभी माननीय सांसद जनता के अपेक्षा आकांक्षाओं को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाए. बेल में आना, हंगामा करना, तख्तियां फैलाना, ये हमारी संसद की मर्यादा के अनुरूप भी नहीं है, संसदीय परंपरा के अनुरूप भी नहीं है. किसी विषय पर मतभेद हो सकते हैं तो मतभेद को सुलझाने के कई स्तर पर प्रयास किए गए, लेकिन गतिरोध समाप्त नहीं हुआ. मैं और कोशिश करूंगा कि और संवाद हो और चर्चा हो, ताकि सदन का कामकाज हो सके, विधायी कार्य भी हो सके और उसके साथ देश के ज्वलंत मुद्दों पर भी चर्चा हो सके.